गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 7 है। एक्चुअली इससे पहले दो वीडियोज रिकॉर्ड हो चुकी थी, 7th 8th, वो डिलीट हो गई और वापस से रिकवर नहीं हो पाई, तो वापस से रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 6 में आपको होमवर्क मिला था, चैलेंज क्वेश्चंस। आइए हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ़ द वर्क फंक्शन। देखिए, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है। पहले बात तो आपने लास्ट टाइम पे एक रिलेशन पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें आपने देखा था E = π + ke max। ये था एक्चुअली। होता क्या है, जब भी कोई एक लाइट का पैकेट, जिसको हम क्या कहते हैं फोटोन, आके किसी भी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है, तो क्या होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगी कहाँ से, इस मेटल के सरफेस से। अब आप यूँ समझ लीजिए, ये जो फोटोन आ रहा है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। हाँ, वेरी गुड, क्या होती है, E = hc/λ। एक फोटोन के लिए अगर एक से ज़्यादा होते तो E = nhc/λ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E = h𝛎 या E = nh𝛎। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में और ये है वेवलेंथ के टर्म में, क्लियर है। यानी कि यहाँ से जो भी फोटोन आ रहा है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, हमने मान लिया उसकी एनर्जी क्या है, ई। अब मान लीजिए ये एनर्जी आके यहाँ टकराएगी, ये फोटोन जिसके पास जो ई की एनर्जी, वो आके यहाँ से स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा, क्लियर है। यहाँ से जो एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अभी आपको समझना होगा कि दोनों एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जब हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट बोलेंगे या फोटोन, तो जिसकी जो ये फोटोन आ रहा है ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो एनर्जी है ई। जबकि इस मेटल से इसको निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो इतनी एनर्जी चाहिए, वो है फाई। अब हमें बताइए, अगर मेरी फाई की वैल्यू ज़्यादा है और ई की वैल्यू कम, तो क्या उस केस में कभी भी कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, नहीं होगा। देखिए क्यों, आप यूँ समझ लीजिए कि आप घर से 100 रुपये लेके निकले सामान खरीदने के लिए, दुकानदार के पास गए, आपको वहाँ से कोई टॉय लेना था, उस टॉय की प्राइस है 120 रुपीज़। क्या आप इस टॉय को परचेस कर पाएंगे, नहीं। हाँ, उधार ले लेंगे, वो तब की केस है, वो स्पेशल केस हो गया, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। आपको किसी अननोन सिटी में हम ले जाकर छोड़ दें 100 रुपीज़ दे के, और 120 का आपको सामान लेना, ले पाएंगे, नहीं ले सकते ना। यानी कि जो भी आपका पैकेट है, जो भी आपका टॉय है, उसको खरीदने के लिए कम से कम जितनी उसकी प्राइस है, उतने पैसे तो होने ही चाहिए आपके पास। यानी कि अगर आपके पास 120 रुपए होते या 120 रुपए से ज़्यादा होते, तो आप अपने टॉय को खरीद लेते। उसी तरह से किसी भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो कितनी है, फाई। कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब आने वाले लाइट के पास अगर इसके इक्वल या इससे ज़्यादा एनर्जी है, तब तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, अगर नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा जब E की वैल्यू ग्रेटर देन फाई हो, E की वैल्यू इक्वल टू फाई हो, एंड E की वैल्यू लेस देन फाई हो, तो किस केस में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। देखिए, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू, जितनी एनर्जी चाहिए फाई, उससे कम है, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं। इस केस में आपसे अगर कभी कोई ke max पूछ ले, ke max क्या है, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, जब यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 0। वैसे ही
अगर एनर्जी की वैल्यू, आने वाली लाइट की एनर्जी की वैल्यू जितना वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा है तो कुंडल इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकल जाएगा। यानी कि इस केस में अगर आपके पास 200 रुपये हैं तो आप अपने ही डॉल खरीद पाएंगे कि नहीं? हाँ, अपने ट्वाय को खरीद पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपके पास 120 रुपये थे और आपको ट्वाय भी 120 रुपये का है तो भी आप खरीद लेंगे, लेकिन आपकी अमाउंट 120 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये कंडीशन कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि फाई की वैल्यू कभी भी एनर्जी की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। एक रही ये बात। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें फाई की वैल्यू दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मुझे आने वाली लाइट की एनर्जी कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी जाके वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और क्या दिया है? एंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रे इज 310 नैनोमीटर। अब जो वेवलेंथ दिया है, जो रेडिएशन आ रही है लाइट की फोटोन की, उसकी रेडिएशन है एंड दैट वेवलेंथ इज 310 नैनोमीटर। अगर मुझे आने वाले फोटोन की वेवलेंथ पता है तो क्या मैं आने वाले फोटोन की एनर्जी निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। फॉर्मूला बताइए लैम्डा के टर्म में, hc/λ। एन क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि एक ही फोटोन आ रहा है तो एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। hc की वैल्यू ये नैनोमीटर में दिया तो हम क्या लिखेंगे? 1240। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया होता तो 1400। लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए 310। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करिए। आई थिंक हाँ 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ध्यान से समझना है, ये जो एनर्जी आई है ये कौन सी एनर्जी है? ये बाहर से जो फोटोन आ रहा था जो कि मेटल से टकराएगा और फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि इस मेटल से आपको फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए आपको? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो क्या इस केस में यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो बताइए इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमने आपको एक बार और तरीका बता रखा होगा, आप चाहें तो उसे भी चेक कर लीजिए। E=φ + KE max। E की वैल्यू कितनी आई? 4। फाई की वैल्यू 6। KE max, यहाँ से KE max कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 - 6, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमने कहा था कभी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस केस में नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव आ गई इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन कोई जनरेट ही नहीं हुआ। और अगर जनरेट नहीं हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा हम कितनी मान लेंगे? 0। तब दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करिए आपका आंसर सेम आएगा, यानी कि आपके फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है 0, B ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया। वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर लिस्टेड, हमें कुछ मेटल्स हैं और उसकी वर्क फंक्शन दी गई है। वर्क फंक्शन मतलब कम से कम आने वाले लाइट के पास इतनी एनर्जी रहेगी तभी वो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर पाएगा, राइट? लिथियम के लिए 2.4, सोडियम के लिए 2.3, पोटेशियम के लिए 2.2, मैग्नीशियम 3.7 एंड कॉपर 4.8। कह रहा फाइंड द मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे अगर आने वाले लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है। यानी कि एक लाइट आ रही है फोटोन जिसकी वेवलेंथ आपको दिया गया है 400 नैनोमीटर, और कह रहे हैं कि अगर ये इतनी वेवलेंथ की कोई लाइट या फोटोन इन मेटल्स पे पड़े तो किस मेटल्स में से वो फोटो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर पाएगी और किससे जनरेट नहीं कर पाएगी। तो पहले हम इसकी क्या निकाल लें? एनर्जी। ये एनर्जी किसकी है? फोटोन। तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा hc/λ। hc की वैल्यू 1240, लैम्डा की वैल्यू 400, 0 से 0 कैंसिल करिए,
ये देखिए 4 से 31 एंड 4 से 10, इसको डिवाइड करिए, ये वैल्यू हो जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि जो ये लाइट आ रही है, इस लाइट की एनर्जी कितनी है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझ लीजिए कि आप घर से इतने पैसे लेके चलें और आपको जो सामान खरीदने हैं उन सामान की प्राइसिंग कुछ दी हुई है। एक सामान है जिसका प्राइस है 2.4, खरीद पाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसको खरीद सकते हैं। 2.3, इसको भी चाहे तो खरीद सकते हैं। एक साथ सब नहीं खरीदना है, अगर आपको ये पसंद आ गया तो आप ये खरीद सकते हैं कि नहीं? खरीद सकते हैं। 2.2 वाला भी खरीद सकते हैं। अब तो ये कोई एक ऐसा सामान पसंद आ गया जिसके प्राइस थे 3.7, आपके पास कितने हैं? 3.1। क्या आप वो सामान खरीद पाएंगे? नहीं, यानी कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। कॉपर 4.8, कोई चांस नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले आपको देखना है जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी कितनी है, उससे कम एनर्जी वाले जितने भी वर्क फंक्शन हैं सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गई वर्क फंक्शन तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी भी शो नहीं करेगा। यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आ गया होगा? चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? काफ़ी आराम से समझेंगे। नील बोर्स ने हमें बहुत सारे डिटेल्स में सारी चीज़ें निकाल के दी। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी सेल की रेडियस हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो सकती है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी टाइम पीरियड क्या होगी, हमें सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना होगा। बोर्स एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये दो लेक्चर में ख़त्म होगा। ये होगा पार्ट ए और इसके बाद आएगा पार्ट बी, तभी जाके ये टॉपिक फिनिश हो पाएगा। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स पहले हम कराए थे, फिर से एक बार करा देते हैं। देखिए, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलिए। वेरी गुड, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, एमबीआर। और हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्या है? दिस इज द चार्ज बॉडीज, ठीक है? इसमें K की वैल्यू अगर आपसे कभी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। एप्साइलन नॉट को हम परमिटिविटी बोलते हैं। ये सब डिटेल्स में आप सीखते हैं 12th के फिजिक्स में, तो आप टेंशन ना लें। हाँ, ये तो टर्म है किसके लिए? फिजिक्स के लिए। अगर मैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करूँ, उससे पहले अगर आपको यहाँ पे कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप सेम चीज़ लिखिए, बस नेगेटिव सिंबल के साथ, माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ये जो आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ता है। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर हम बात करें तो देखिए, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स होती हैं और इन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मुझे पता करना है इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तब बताइए, इसके लिए दो चार्ज ऑब्जेक्ट चाहिए, एक तो ये हो गया, दूसरा ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होंगे? हाँ, प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा, प्रोटॉन्स कितने होंगे न्यूक्लियस में? 1, 2, 3, कितने? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होती है। हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। यानी कि ये इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ पता है कि इसमें जितना इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड, ठीक है? अब मान लीजिए हम सोडियम के लिए पूछे आपसे, ये कितने प्रोटॉन्स होंगे? कितने होते हैं? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। मैग्नीशियम के लिए 12, तो आपने देखा
जो इसके एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जेड। जेड क्या है उसके एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन्स को हम क्या लिखेंगे पी। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹। प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻¹⁹। अगर आप मैग्नीट्यूड देखिए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिल्कुल सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए हम इनको रखते हैं अपने फॉर्मूले में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, के क्यू वन, इन दोनों में से किसी एक को क्यू वन मान लीजिए, मन ने मान लिया ये क्यू वन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया ई इन टू, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड इन टू पी, आपने इसको यहाँ लिख लीजिए, के क्यू वन हो गया हमारा ई और क्यू टू कितना हमारा जेड इन टू पी, इनके बीच का गैप आर, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो बिल्कुल सेम आता है, और हम इनके सिंबल्स को इग्नोर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इनके सिंबल्स को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सिंबल्स बस ये बताएंगे कि अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है कि रिपल्सन, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो क्या हम प्रोटॉन्स के जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं क्या, सोच के बताइए। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होती है, बस सिंबल का डिफरेंस होता है, क्योंकि सिंबल यहाँ मैटर नहीं करता, हम प्रोटॉन को हटा के क्या लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया के इंटू ई इंटू जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, के इंटू जेड, के जेड हो गया, ई इंटू ई को हम क्या लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हमारे केमिस्ट्री में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ पे ये वैल्यू रखा करेंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी भी के की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई की वैल्यू चार्ज है, आर दो चार्ज बॉडी के बीच का गैप, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मुझसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, हाँ वेरी गुड, बताइए माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको निगेटिव कर दीजिए और जहाँ आर स्क्वायर होता है वहाँ आर कर दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, कर सकते हैं। चलिए आइए, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले सीखनी होगी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, यानी कि या तो आप हाइड्रोजन पे लगा सकते हैं या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1। अब ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे आयन्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो उन पे भी ये वैलिड होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो बताइए हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पे हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल काम नहीं करेगा। लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 आ जाएंगे, इस पे भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये हीलियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है उसे प्लस चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो अभी कितना बचा इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम प्लस आयन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसी और इस पे बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड है। हाँ, आप सोचिए लिथियम पे अगर मुझे लगाना है तो मुझे क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन भेज देंगे बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, वेरी गुड, Li2+, और इस पे बोर्स एटॉमिक मॉडल काम करेगा। इसी तरह बेरिलियम की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काम नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दीजिए, क्या बन जाएगा, Be3+, और अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पे बोर्स एटॉमिक मॉडल काम करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप याद रखेंगे। आइए, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स या स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, चाहे वो हीलियम आयन हो, लिथियम 2+ हो या बेरिलियम 3+ हो, तो उस पर भी ये लग सकता है। अब देखिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल को काम करने से पहले ही
नील बोर ने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स देने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए कि हम ये मान कर चलेंगे और हम आगे चल के प्रूफ करेंगे। हाँ, मैथ्स आपने सीख रखा होगा, हम पहले मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है और हम बाद में प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है। जैसे कि आपने वो इरेशनल का प्रूफ एक सीख रखा होगा, कंट्राडिक्शन मेथड। हम पहले मान लेते हैं नंबर क्या है, रेशनल है, बाद में पता चलता है वो रेशनल की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता तो हम प्रूव कर देते हैं ये इरेशनल है। कुछ ऐसा ही पोस्टुलेट्स का होता है, यानी कि वो एक पहले स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट को सही मानकर आगे बढ़ेंगे और बाद में प्रूफ करेंगे कि वो स्टेटमेंट सही था। क्लियर है? तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मानकर आगे बढ़ी थी। जैसे पहला, एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। उन्होंने कहा कि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं और यही कारण है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, ये चीज़ तो इससे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड ने भी बता रखी है। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ्स ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस नोन एज ऑर्बिट्स और सेल। उन्होंने कहा, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी ये चीज़ कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही स्पीड से घूमते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे सवाल उठ रहा था, अगर बहुत ही स्पीड से घूमते हैं तो उनकी एनर्जी कम होगी और कम होने के बाद एक टाइम वो न्यूक्लियस में आके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि नहीं होता था। तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने पहले ही कहा कि नहीं, वो घूमती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं घूमती, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो रेडियस होगी यानी जो उनका पाथ है घूमने का, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट सेल है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी पाथ में घूमेगा, ये नहीं कि इसका धीरे धीरे एनर्जी कम होगा तो ये ऐसे ऐसे छोटा होता जाए और कम होते 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 एक टाइम आने के बाद इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने पहले ही बता दिया। चलिए, क्यों नहीं होगा वो आगे बताए थे, लेकिन हाँ ये पहले ही उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं होता है। थर्ड, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, इस पे, इस सेल पे, इस सेल में घूमने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स चाहिए होगी, ये फोर्स कौन देता है? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है कोई भी सर्कुलर मोशन शो करने के लिए, हमें कौन सी फोर्स की जरूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, और वो फोर्स कौन देता है, इन्हीं के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी उन्होंने कहा कि इस पे जितना भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। उन्होंने कहा ये वैल्यू को कौन बैलेंस करता है, इन्हीं के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वेरी गुड, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा इक्वेशन नंबर वन, जो कि आपको याद रखना है, हमेशा आपके काम आएगा जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ पे इसका हम बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, उन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनके वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, इनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देती है। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम बी स्क्वायर अपॉन आर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर वन। फिर उन्होंने कहा, अब अगर हम बात करें किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, चलिए इसको इरेज कर देते, याद तो हो ही गया होगा आपको। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मैं बात करूँ कितने सेल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं। हाँ, मतलब इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर सवाल उठता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में है, क्या सभी में है? नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सेल में पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसी सेल में पाए जाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, वेरी गुड, एम वी आर की वैल्यू एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि वो एच अपॉन टू पाई हो सकता है, टू एच अपॉन टू पाई हो सकता है,
थ्री एच अपॉन टू पाई हो सकता है, फोर एच अपॉन टू पाई, यानी कि एच अपॉन टू पाई में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आए। तो इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब नेचुरल नंबर हैं, हम इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो n h अपॉन 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। एक बार फिर से, उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सेल में पाई जाती हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि n की वैल्यू आपको 1, 2, 3, 4 कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मिलता है, इसमें मिलता है और इसमें मिलता है, मान लीजिए, तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है जिसमें मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। ये दूसरा है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी, जबकि ये थर्ड है तो ये 3h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी। यानी कि उन्होंने कहा कि एक बात आप जान लीजिए कि न्यूक्लियस के अराउंड ढेर सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन जिस सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। यानी कि उन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दी जो कि आपको याद रखनी है, क्या है वो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, याद रखेंगे। चलिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार आपको याद भी करा देते हैं। पहला उन्होंने कहा था सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर को कौन बैलेंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर उन्होंने कहा दूसरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, किसी भी न्यूक्लियस का राउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होती है, लेकिन सेल इलेक्ट्रॉन्स उसी सेल में पाई जाती है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर की वैल्यू एच अपॉन टू पाई का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा एन लिख लीजिए आप, यानी कि दो ही क्वेश्चन मिल गया हमें, 1 और 2। देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, आउट ऑफ द इन्फाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में से सिर्फ उसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसको हम क्वांटाइज वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब एक ही चीज हर बार रिपीट होगी, जैसे कि पहले सेल की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन 2 पाई, दूसरे सेल के लिए 2h अपॉन 2 पाई, तीसरे के लिए 3h अपॉन 2 पाई, चौथे के लिए 4h अपॉन 2 पाई। अगर आप ध्यान से देखें सारी वैल्यू को तो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी सब में, हाँ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई और h अपॉन 2 पाई। ऐसे ही अगर आप सेवन्थ के लिए लिखें तो क्या हो जाएगी, 7h अपॉन 2 पाई, तो उसमें भी आपको h अपॉन 2 पाई देखने को मिलेगा। तो कोई ऐसी वैल्यू जो एक फिक्स नंबर का मल्टीपल होता है तो उसको हम क्वांटाइज नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल्स में सिखाया जाएगा फिजिक्स में, वो भी 12th में। तो तब तक आप बस इतना जानते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ किसी भी फिक्स नंबर का मल्टीपल होना। आइए, ये रिलेशन आपने लिख लिया होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। अगर हम फर्स्ट सेल के लिए बात करें तो h अपॉन टू पाई, सेकेंड सेल के लिए 2h अपॉन टू पाई, थर्ड सेल के लिए 3h अपॉन टू पाई, फोर्थ सेल के लिए 4h अपॉन टू पाई। अगर मैं ऐसे ही 6, 7, 8, 9 सब ड्रॉ कर दूँ और इसके लिए पूछूँ ये कौन सा, 5th है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5h अपॉन टू पाई, यानी कि h अपॉन टू पाई के सब मल्टीपल होंगे। एक बात, दूसरी बात उन्होंने कहा जो फर्स्ट सेल है आप उसको n इक्वल टू 1 कहते हैं, उसको k सेल भी कहा जा सकता है जो कि आप लोगों को पता है, दूसरे वाले सेल को l, तीसरे वाले को m, चौथे वाले को n, पांचवे वाले को o, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, सही है। चलिए आगे देखिए ये चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन के
अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उसकी वैल्यू मोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्वांटाइज होती है, यानी कि एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल में होती है। वो तो हमने ऊपर लिख भी लिया है, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। चले नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट नाइदर लूजेस नॉर गेंस एनर्जी। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में घूम रही इलेक्ट्रॉन, ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी, ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करती है, यानी कि ओवरऑल उस इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होती है? कंजर्व होती है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है, इसीलिए वो कभी भी न्यूक्लियस में अंदर आके डिस्ट्रॉय नहीं होती। और ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एनर्जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसलिए हम इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी सेल टू अ हायर एनर्जी सेल। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में, उसको जाना है सेकेंड सेल में यहाँ से जंप करके, तो बताइए यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बड़ा कौन है, -13.6 या -3.4? हाँ, -3.4 बड़ा है, क्योंकि निगेटिव है ना। एक्चुअली जब निगेटिव लगता है सारा कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। अब देखिए 13.6 और 3.4 में बड़ा कौन है? 13.6, लेकिन क्योंकि माइनस लगा इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बताइए इसकी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी या इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है? हाँ, एनर्जी कम है ना, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ तक जंप करके जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसको बाहर से एनर्जी क्या करनी होगी? एब्जॉर्ब करनी होगी। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से नीचे आना चाहता है तो इसके पास तो एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ पर एनर्जी कम चाहिए, तो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को और एब्जॉर्ब करेगा या अपनी एनर्जी को कम करेगा? एनर्जी को कम करेगा, क्योंकि ऑब्जॉर्ब करेगा तो और ऊपर चला जाएगा। बस समझ में आ गई? क्योंकि उसको नीचे आना है तो अपनी एनर्जी कम करनी होगी, क्योंकि यहाँ आने के लिए उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है तो एनर्जी क्या करती है? वो रिलीज करता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि वो एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है रिलीज हो रही है वो कितनी है, तो आप उसके डिफरेंस को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ जंप करके जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप लिखेंगे कहाँ जाना है उसको? सेकेंड सेल में, तो वो हो गया E2। माइनस कहाँ से जाना था? फर्स्ट सेल से E1। यानी कि दोनों एनर्जी सेल के गैप को आप निकाल लेंगे उसी के इक्वल आता है। बताइए E2 की वैल्यू यहाँ पर हमने कितना लिया है? -13.6, फिर माइनस E1। E1 की वैल्यू कितनी है? सॉरी गड़बड़ हो गया ना, E2 की वैल्यू कितनी है? -3.4। माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6। अब देखिए माइनस माइनस सॉल्व कर देंगे क्या बन जाएगा? प्लस। फिर देखिए प्लस माइनस सॉल्व करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी आनी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। हाँ, अगर आपका एनर्जी गैप यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और वो इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल जंप करके गया होगा। अगर ये एनर्जी निगेटिव में आ जाती तो आप ये कहेंगे सर एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से लोअर सेल में जंप किया होगा। कर सकते हैं? चलिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पता लगाना है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है, तो उस केस में आप उसकी डेल्टा ई कैलकुलेट कर लीजिए। और डेल्टा ई क्या होगी? जहाँ उसको जाना था वो एनर्जी माइनस जहाँ से उसको जाना था वो एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यही चीज यहाँ डायग्राम में बताई गई है। देखिए मेरा एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फर्स्ट सेल में, N1 है ना फर्स्ट सेल में, और मुझे इसको यहाँ लेके जाना है। कौन सा सेल है ये? फोर्थ सेल में।
बताइए फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या होगी E1, फोर्थ सेल की एनर्जी क्या हो जाएगी E4। हमें एक चीज़ पता है कि हमें ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा, यहाँ पहुँचने के लिए इसको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो एनर्जी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और कितना करेगा, अब वो होता है डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, जहाँ उसको जाना है उसकी एनर्जी, यहाँ से इसको कहाँ जाना है, फोर्थ एनर्जी पे, तो हम लिखेंगे E4 माइनस जहाँ से उसको जाना था, कहाँ से जाना उसको, फर्स्ट सेल से, यानी कि इसकी एनर्जी E1। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या देगी मुझे, कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, यानी वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वैल्यू जो भी आएगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर आप उसकी मॉड वैल्यू ले लें तो वो क्या होगी, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी, वेरी गुड, किसी फोटोन के रूप में मिलेगी। अब जो एनर्जी आके इसको दे रही होगी, जो फोटोन इसको आके एनर्जी दे रहा होगा, उसकी अगर आपसे एनर्जी पूछ लिया जाए तो उसको क्या कह सकते हैं आप, HC/λ होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सर डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा HC/λ के इक्वल होगी, कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि यहाँ से यहाँ जाना है आपको तो कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करें, तो आप बता सकते हैं कि उसको एनर्जी इतनी देने के लिए कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे मॉड में, मॉड का मतलब वैल्यू आपके हमेशा पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा आई की पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो भी आप डेल्टा आई की वैल्यू क्या कर लेंगे उसको पॉजिटिव, और उसको HC/λ से इक्वल कर लेंगे। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, तब तक तो बस आप इतना समझते रहिए कि एक इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जाने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा वहीं पे। अब मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन आपको फोर्थ सेल में आ गया, यानी कि उसकी एनर्जी अभी E4 है, और वो वापस कहाँ जाना चाहता है, अब E2 पे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि अपने फर्स्ट सेल से जंप करके किसी और सेल में चला जाता है, तो वहाँ पे वो सिर्फ 10^-8 सेकेंड तक के लिए रुक सकता है। हाँ, वो लगभग इतनी कम समय के लिए ही वहाँ रुकेगा, उसके बाद उसको फिर वापस नीचे आना ही आना है। अब आने के अपने तरीके होंगे उसके, वो कैसे आएगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 में, लेकिन तब तक तो बस आप इतना जानते रहिए कि एक बार आपने यहाँ एनर्जी देके इसको भेज तो दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ वो हमेशा रहेगा नहीं, वहाँ सिर्फ इतने टाइम के लिए ही रहता है वो, यानी कि फिर उसके बाद वो लौट आएगा। अब मान लीजिए ये लौट के आना चाहता है फोर्थ से सेकेंड पे, तो बताइए फोर्थ पे एनर्जी ज़्यादा है, सेकेंड पे एनर्जी कम है, तो इसको और एनर्जी चाहिए कि अपनी एनर्जी कम करनी होगी, एनर्जी कम करनी होगी, तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, करेगा ना, हाँ, यानी कि इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। और वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, डेल्टा ई के इक्वल। आप देखिए डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, जहाँ इसको जाना है, यहाँ से इसको कहाँ जाना है, सेकेंड एनर्जी सेल पे, यानी कि E2 पे जाना है, माइनस कहाँ से जाना है, फोर्थ से E4। सॉल्व कर देंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी अगर आप उसकी मॉड ले लें तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, HC/λ के। अब ये इसका क्या मतलब है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके नीचे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और लाइट के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन, यानी कि एक्चुअली जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ना एक फोटोन जनरेट होगा, हाँ, और वो फोटोन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो ये जो फोटोन यहाँ से जनरेट होगी, अगर हम उस फोटोन की एनर्जी पूछे कितनी होगी, तो आप बताइए अगर इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए मान लेते हैं कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने रिलीज कर दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में चला गया, उस वेवलेंथ में, हाँ, उस जो वेवलेंथ वाली फोटोन जनरेट होगी उसमें, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, HC/λ के। थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है बट यहाँ समझना ज़रूरी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से जब वो नीचे जंप किया तो यहाँ से एक फोटोन जनरेट हुई, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी यहाँ से निकली उतनी एनर्जी ही उस फोटोन की होती है, और फोटोन की एनर्जी हम क्या लिखते हैं, HC/λ के इक्वल लिखते हैं। यानी कि यहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी मॉड वैल्यू इससे रिलीज होने वाली एनर्जी के फोटोन की एनर्जी के इक्वल होती है, कर सकते हैं। चलिए अब फॉर्मूले रिलेटेड टू बोर्स मॉडल अब हम डेरिवेशन करेंगे। पहला डेरिवेशन होता है हमारा रेडियस ऑफ nth बोर्स ऑर्बिट,
हाँ, हम एनेथ बोर्स ऑर्बिट पे, यानी कि किसी भी बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉलो करने वाले स्पीसीज में किसी भी सेल की रेडियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल की रेडियस अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, क्योंकि हमने कहा था कि आपको दो फॉर्मूले याद रखने, कौन कौन से, पहला एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमने कहा था आप याद रखेंगे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस का फॉर्मूला बनाना है, हमें क्या करना है, रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। अब देखिए, जब हमें रेडियस का फॉर्मूला निकालना होगा, हमें वेलोसिटी वी की वैल्यू उठा के पुट करनी होगी। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी वी की वैल्यू निकालना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वी रखेंगे और एम आर को हम क्या करना होगा हमें, क्योंकि हमें वेलोसिटी वी चाहिए तो एम आर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और एम आर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज देंगे, तो बताइए वो क्या हो जाएंगे, एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू आर बन जाएगा क्या। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन था, नीचे आके डिवाइड में रिलेशन बन जाएगा, यानी कि मुझे वी की वैल्यू पता है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, रख सकते हैं, यहाँ भी वी है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, क्या था वो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। अब बताइए एम, एम की वैल्यू तो एम ही रहेगी, आर की वैल्यू आर रहेगी, वी का स्क्वायर, तो पहले हम वी की वैल्यू रख दें, अगर वी की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी पीछे निकाले थे हम, टू पाई एम आर, एक बार चेक कर लीजिए आप, एन एच अपॉन टू पाई एम आर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, एम अपॉन आर, ठीक है, इसका स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा अपॉन टू का स्क्वायर फोर, पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है कि अगर आप एल एच एस और आर एच एस को एक साथ डील कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कैंसिल हो सकते हैं, तो देखिए ये हमारा एल एच एस पार्ट है और ये हमारा आर एच एस, हम एक साथ डील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर आया था, यहाँ भी आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एम है, ये एम स्क्वायर है, तो पावर चला जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एम, यानी कि मुझे क्या बच गया, ये बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये था हमारा आर है ना, ठीक है, अभी एक आर बचा है, फिर यहाँ बचा फोर पाई स्क्वायर एम, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया था, ठीक है, डेट इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारा, के जेड ई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू वन से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सेम ही रहेगी, तो आपको मिल जाएगा, हाँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर इंटू, ये क्या है, आर इंटू फोर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर पाई स्क्वायर आर इंटू एम, हाँ, तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर इंटू एम। देखिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए, हम इस आर को रखेंगे, बाकी सारे वैल्यू को उठा के इधर ले आएंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर एम, एंड दैट इज इक्वल टू आर, आर की ये वैल्यू मिल जाएगी। चिंता मत करिए, आपको ये रटना नहीं है, हम तो इसको एक अलग फॉर्म में बनाएंगे, वो आपको याद रखना होगा, ठीक है, यानी कि आपको आर की वैल्यू मिल गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम, इसको एक बार चेक कर लें, यहाँ तो है ही नहीं, लग रहा नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, हाँ मिलेगा आपको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4
फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, यही चीज़ मिली होगी आपको। अभी वहाँ पे पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? नहीं, नंबर ऑफ सेल तो बदलती रहेगी, यानी फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, चेंज करने से क्या होती है, रेडियस बदल जाएगी, इनकी ये वेरिएबल है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। k क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। z क्या है, एटॉमिक नंबर। अब देखिए, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा, मतलब हीलियम आयन के लिए, लिथियम आयन के लिए Li2+ के लिए 3, बेरिलियम 3+ के लिए 4, यानी कि ये z की वैल्यू भी बदलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं सारी वैल्यू कांस्टेंट्स की रख दूं तो मुझे r की एक छोटी सी वैल्यू मिलती है, जो कि आपको याद रखना है 0.0529। यहाँ लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 0.0529 n स्क्वायर अपॉन z। देखिए वेरिएबल बचा है, यहाँ पे n स्क्वायर बचा था और नीचे z, n स्क्वायर अपॉन z नैनोमीटर। एक तो ये फॉर्मूला बनता है, दूसरा जो हम बार बार यूज करेंगे उसको एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे। बताइए, नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि मुझे ये दूसरा फॉर्मूला क्या मिल सकता है, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, लेकिन यूनिट इस बार क्या हो जाएगी, एंगस्ट्रॉम। तो आप ये दोनों नोट कर लेंगे, और आपको ये वाला याद रखना है, आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी याद रखिए, सेम है। अगर आपको ये याद है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके ये बना लेंगे, अगर आपको ये याद है तो डिवाइड बाय 10 करके ये बना लेंगे, कर सकते हैं। चलिए, तो ये बन गया आपका रेडियस का फॉर्मूला, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इज टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, आर इज टू 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। देखिए, ये चीज यहां पे लिखी हुई है, ऑन प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ध्यान रहे, यहाँ पे 0.529 लिखाया गया है, इसीलिए ये किस में है, एंगस्ट्रॉम में। दूसरा फॉर्मूला हमने जो बनाया था वो क्या था, वेरी गुड, नैनोमीटर में था। जब भी एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर बनाना हो तो डिवाइड बाई 10 करते हैं, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो हो जाएगा 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। तो आपको उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करें, आंसर सेम आएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज और देखनी आनी चाहिए, बताइए रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? हाँ, डायरेक्टली होगा, क्योंकि ये वो ऊपर है, ये भी ऊपर है, सो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जबकि आर एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियस घट जाएगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे रेडियस बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ती है, आइए उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आपको टेंथ की मेरी कुछ कही हुई बातें याद हैं तो अच्छी है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम नए से बताएंगे। ये मान लीजिए आपका लिथियम बना लिया हमने, नेक्स्ट हमने बना लिया बेरिलियम, ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सब में दो सेल होंगी। अगर हम लिथियम की बात करें, ठीक है, तो लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में। आपको एक चीज़ बताई गई थी टेंथ में जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ा रहे थे, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक सेम पीरियड में, वैसे वैसे एटॉमिक साइज घटती जाती है। क्यों घटती है, वेरी गुड, याद आया ना, क्योंकि लिथियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे,
तीन, बेरिलियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, चार, क्योंकि एटॉमिक नंबर चार होता है। अब देखिए यहाँ तीन प्रोटॉन्स मिलके इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहाँ पे चार प्रोटॉन्स मिलके इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो देखिए किस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ चार प्रोटॉन्स खींच रहे हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे। अगर ये पास आएंगे तो इनकी साइज घट जाएगी कि बढ़ेगी, घट जाएगी। यानी कि वहाँ हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ती है सेम पीरियड में, वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होती है, घटती जाती है, हमने सीखा था ना। ये चीज़ हम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी जो हमारा फॉर्मूला आया था, दैट इज आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में यही आया था। तो हमने देखा कि मैं अगर रेडियस और जेड को कंपेरिजन करूं तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे रेडियस की वैल्यू वैसे वैसे घट जाएगी। देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी थी, 3, यहाँ जेड की वैल्यू कितनी थी, 4। यानी कि इसके एटॉमिक रेडियस की साइज इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी बड़ी होगी और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होगी। आप ये मैथमेटिकली आज प्रूव कर लिए और टेंथ में आप कॉन्सेप्ट से सीखे थे, कर सकते हैं। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं n से कंपेरिजन देखूं, यानी कि z इस बार मेरा सेम है, किसी भी सेम एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो बताइए उसके फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, ये हमारा फर्स्ट सेल है क्या, के सेल, ये हमारा सेकेंड सेल एल सेल, दोनों की साइज सेम होगी डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, हर बार डिफरेंट होती है। देख के बताइए के वाले की साइज और एल वाले की साइज में किसकी साइज बड़ी होगी, एल वाले की साइज बड़ी होगी, के वाले की साइज छोटी होगी। यानी कि जैसे जैसे सेम एटॉमिक नंबर में आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाता है। इसीलिए आपका रिलेशन आया था आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, कौन से रिलेशन से, आर एन इज इक्वल टू 0.0529, हाँ 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर, या 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, कर सकते हैं। चलिए ये तो रही ये बातें, आइए कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मुझसे कह दिया कि लिथियम 2+ के थर्ड सेल की, किसकी, थर्ड सेल की रेडियस बताइए। हाँ हम बता सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। बताइए अगर मैं 0.529 लिखूं तो नैनोमीटर आएगा कि एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड, क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 0.529, बताइए कौन सी सेल है, थर्ड सेल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर है ना, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 अपॉन जेड। लिथियम के लिए, लिथियम आयन के लिए एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 3, तो जेड की वैल्यू क्या लिख देंगे, 3 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 27.6815, ये वैल्यू आ जाएगी 1.587 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको नैनोमीटर में निकालना है आप क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1587 नैनोमीटर। या फिर आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लेते तो भी आ जाता 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर, आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी यही वैल्यू आता। एंगस्ट्रॉम में आने के बाद अगर आप चाहें तो भी ऐसे निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तरीका समझ में आया आपको, कर सकते हैं। हाँ यानी कि अब मुझे किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी की रेडियस मुझे कैलकुलेट करनी है, किसी भी सेल की, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए आपको चार होमवर्क मिले हैं, इसमें से कोई एक मैं कर देता हूँ, देखिए ये लास्ट वाला मैं कर देता हूँ। देखिए एन क्या दिया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ हाइड्रोजन एटम का मतलब आपको क्या बता रहा है, जेड की वैल्यू बता रहा है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और देखिए वो क्या कह रहा है, n सेल, बताइए n सेल के लिए, तो ये पहला सेल कौन सी होती है, k सेल, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n, यानी कि n सेल के लिए नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 4। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम,
इसको सॉल्व कर देंगे 0.529 n, n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, जेड क्या है हमारा 1, तो अपॉन 1 आप चाहें तो लिख लीजिए और नहीं तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया एंगस्ट्रॉम में, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो देखिए 16 9 जा 144, 14 32 एंड 14 46 84। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आपकी वैल्यू आएगी 8.464 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर आपको नैनोमीटर में निकालना है तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 0.8464 नैनोमीटर। कर सकते हैं, आइए आंसर मैच कर लीजिए। सी क्या हमने 8.464 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में ये हो जाएगा 0.8464। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन। अब मुझे अगर दो रेडियस के कंपैरिजन अगर करना है तो मैं कंपैरिजन कैसे करूँगा, तो पहले उसके लिए मुझे रिलेशन लिखना होगा आर एन, नहीं पहले हमको एक डायग्राम रफ होगा, अब सॉरी नॉट रफ, ठीक है कंपैरिजन ही है। आइए कंपैरिजन देख लेते, फिर फॉर्मूला क्या है, आर एन इजिकल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यहाँ से आप रिलेशन बनाएंगे किसके बीच, वेरिएबल्स के बीच, तो आप लिखेंगे आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। बोलिए ये चीज़ लिखी जा सकती है कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं ना। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं हम दो अलग अलग रेडियस को कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए पहले को हम आर वन लिखेंगे दूसरे को आर टू, तो हम आर एन के जगह पर लिखेंगे आर वन अपॉन आर टू। तरीका हम बता रहे हैं, पहला तरीका आप समझ लीजिए कि बार बार आपको लिखना होगा तो वहाँ आप अपने से लिख पाएंगे। देखिए ऊपर अगर लिखा हुआ है तो उसको 1/2 में लिखें, यानी कि R1/R2 लिखें। अब ये देखिए n स्क्वायर, n ऊपर है कि नीचे, ऊपर है ना, तो हम इसको भी N1/N2 लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे हम N1 स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अब देखिए ये z ऊपर है या नीचे है, नीचे है ना, यानी कि आप मुझे 1/2 नहीं, मुझे 2/1 लिखना होगा, क्योंकि ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद उल्टा कर देंगे, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे 2/1, ये हो जाएगा जेड है तो Z2/Z1, ये बनेगा मेरा रिलेशन कंपैरिजन करने के लिए। अगर आपको ये जानना है कि सर हम उल्टा क्यों किए हैं तो चलिए बता देते हैं, बट उसको आपको याद नहीं रखना है, ठीक है आपको तो बस ऐसे ही याद रखना है। देखिए क्या होता है, आर एन को हमने R1/R2 लिख दिया, एन स्क्वायर को N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर लिख दिया आपने। अब बताइए ये जेड को क्या लिखेंगे आप, हाँ Z2/Z1, लेकिन मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है आप भूल गए तो क्या करेंगे, इस जेड के जगह पर हमें Z1/Z2 लिखना होगा, और ये जेड कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, नीचे ना, तो अगर नीचे अगर यही चीज़ लिखे Z1/Z2 तो बताइए ये Z2/Z1 है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो देखिए फिर से वही आ गया क्या Z2/Z1, हाँ तो ये यहाँ से आता है मैथमेटिकली, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं याद रखेंगे, ठीक है हाँ। तो हम क्या लिखेंगे R1/R2 = N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, सब रटना नहीं है आपको, Z2/Z1 आपको खुद बनाने आना चाहिए, कर सकते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्ड ऑर्बिट, इनका वेरिएशन कैसा होता है आइए देखते हैं। ये फॉर कंपैरिजन R1/R2 ये सब कुछ वही दिया है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिया है इफ द रेडियस ऑफ थर्ड सेल ऑफ Li2+ इज पी, यानी कि आपको Li2+ स्पीसी के लिए थर्ड सेल है ना, हाँ N=3 दिया है और उसकी रेडियस की वैल्यू कितनी आ रही है, मान लीजिए पी आ रही है, ठीक है कोई वैल्यू ना देखे उसने क्या कर दिया, मान लीजिए कितनी आ रही है पी आ रही है। आगे देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड सेल ऑफ हीलियम आयन। अब मुझे जो कैलकुलेट करना वो हीलियम आयन के लिए, ठीक है वो भी कौन सी सेल, सेकेंड सेल। अब तो ये हीलियम आयन का मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसी तरह लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3। तो बस देखिए जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाए दो अलग अलग रेडियस कंपैरिजन करने के लिए, तो बस
आपको याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बताइए, 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। तो ये सब इग्नोर करिए, हमें वेरिएबिलिटी देखनी है किससे से ये वेरी करेगा। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। आप रटने के पीछे ना जाए, याद तो मुझे भी है कि आर वन अपन आर टू की वैल्यू होती है n² / n² इंटू z2/z1। लेकिन आप रटे नहीं, आपको ये तरीका फॉर्मूला याद रहे, आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए, इसलिए मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ, आपको निकालना आना चाहिए। आर एन को हम क्या लिख देंगे, वेरी गुड, आर वन अपॉन आर टू, बताइए एन ऊपर है ना, उसको क्या लिखेंगे, वेरी गुड, n² / n² जेड कहाँ है, नीचे, तो हम z1/z2 लिखेंगे, z2/z1, वेरी गुड, z2/z1 लिख सकते हैं। तो चले आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आर वन फर्स्ट केस में क्या है, लिथियम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ लिथियम आयन अपॉन। दूसरा आर टू में कौन है, वो तो मुझे निकालना है, किसका, हीलियम का, लिखिए रेडियस ऑफ हीलियम आयन, दैट इज इक्वल टू एन वन, एन वन कौन था, लिथियम का। तो बताइए एन वन की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, एन वन का स्क्वायर है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 इंटू, देखिए क्या दिया, जेड टू, सेकेंड वाले का जेड कितना है, 2 है, इंटू 2 अपॉन, देखिए क्या है, n² यानी कि सेकेंड केस का सेल, सेकेंड केस के लिए सेल नंबर कितना है, 2, उसका स्क्वायर यानी कि 4 इंटू क्या दिया है, z1 यानी कि फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर, फर्स्ट केस का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसको आपने लिख दिया 3, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए रेडियस ऑफ लिथियम आयन आपको दिया हुआ है, कितना, p दिया है, हमने उसके जगह पर लिख दिया p अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम आयन, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 = 4 और 3 3 = 9, क्या बचा, 3/2, मुझे तो ये निकालना है, क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, p इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू रेडियस ऑफ हीलियम आयन, मुझे तो रेडियस ऑफ हीलियम आयन चाहिए तो उसको यही रख देंगे, और इस 3 को उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2p/3, ये आ जाएगा मेरा आंसर, यानी कि हीलियम आयन किस सेकेंड सेल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 2p/3 के इक्वल हो जाएगी। तरीका समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, चलिए देखिए आंसर आपके सामने है, रेडियस ऑफ हीलियम आयन इज 2p/3। नेक्स्ट दो क्वेश्चन इसी टाइप के सेम आपको दिए गए हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे। आइए अब हम ग्राफ्स की बात करेंगे, ग्राफ आपको पहले भी प्रैक्टिस करा चुके हैं, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं हम, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, ये रीजन ठीक है। देखिए पहला ग्राफ y = mx का सीखा था हमने, तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से, कहाँ, ऊपर की तरफ, क्योंकि m पॉजिटिव होता है। अब वही अगर ये ग्राफ है हमारा y = mx, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो y = -mx, यानी कि फिर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, लेकिन इस बार ग्राफ ऊपर ना जाके कहाँ चली जाएगी, नीचे, क्यों, क्योंकि -m दिया हुआ था, सही है। दूसरी चीज, दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे y = mx + c का, प्लस c यानी कि ओरिजिन के ऊपर से बनेगा, उसमें mx है, m पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर बनेगा ग्राफ, ये हो गया y = mx + c का ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे y = -mx + c, माइनस एम एक्स का मतलब ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है ऊपर ना जाके कहाँ जाएगा, नीचे, प्लस सी का मतलब ओरिजिन के ऊपर से ही बनेगा, यानी कि यहीं से वो ग्राफ कहाँ जा रहा होगा, नीचे, तो ये ग्राफ हो जाएगा y = -mx + c। आइए नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं mx - c का, माइनस सी मतलब ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, मान लीजिए यहाँ से, लेकिन m पॉजिटिव है अभी भी, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये ग्राफ बनेगा y = mx - c का,
अब मैं क्या ग्राफ बनाऊंगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, यानी कि माइनस सी यानी कि ग्राफ तो ओरिजिन के नीचे से बनेगा और माइनस एम एक्स का मतलब नीचे भी जाएगा, यानी कि ये ग्राफ हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का। समझ में आ गया होगा? हाँ, तो आपको ये बनाना नहीं था, आपको समझना था। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आपको लेक्चर नंबर 6, हाँ शायद लेक्चर नंबर 5 या 6, उसी में आपको सारे ग्राफ कराए हैं। आप ग्राफ फिर से एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी होगी आप बिना प्रैक्टिस किए इसको नहीं कर सकते। चलिए आइए, एक और ग्राफ था, दैट इज वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बनता है? वेरी गुड, याद आ गया, अच्छा है। इसको हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं? पैराबोला। अब बताइए, अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं माइनस में, तो बताइए ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे? नीचे बन जाएगा, इसी का मिरर इमेज, यानी कि ये बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से आपका एक ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू k अपॉन एक्स का। इसका नेचर होता है, ये टच नहीं करता ना, वो गलती से वहाँ टच हो गया, ऐसे। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मुझे बनाना हो y इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, तो बताइए क्या बनेगा? ये ग्राफ नीचे बन जाएगा ऐसे। कर सकते हैं? समझ में आ गया होगा? चलिए, ये हो गया काफ़ी रिवीजन। अब हम अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला ग्राफ मुझे बनाना है, किसके बीच में? आर एन और एन के बीच में, आर एन और एन के बीच में। तो आपको कुछ यहाँ से देखना नहीं है, आप सब अपने से बना लेंगे। देखिए, आप लिख लेंगे आर एन और यहाँ पर हो गया आपका एन। अब तो ये फॉर्मूला याद है आपको ना? वेरी गुड। क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। देखिए, जब आप आर एन और एन के बीच का ग्राफ बनाते हैं तो ये दो तो वेरिएबल होते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, सारे कांस्टेंट होते हैं। तो उस हिसाब से तो जेड भी कांस्टेंट हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब कांस्टेंट होंगे। तब हम क्या करेंगे, इन सबको कांस्टेंट है ना, इनको हटा देंगे और हम लिखेंगे आर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम के लिख सकते हैं क्या? चलिए हम के लिख लेते हैं, के लिख लीजिए, एम लिख लीजिए, कुछ भी, हम के लिखते हैं, के लिख लिया हमने। अब बताइए एन कहाँ है? चलिए अभी तो वैसे ही रहने दीजिए एन स्क्वायर। आर एन कहाँ है? किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, यानी कि जहाँ आर एन है हम वहाँ क्या लिख सकते हैं? वाई। जहाँ के है वो तो के ही रहेगा, जहाँ एन है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस। तो एन के जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर। बताइए वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? वेरी गुड, पैराबोला। ये बन गया ग्राफ, वो थोड़ा सा वहाँ पे टेढ़ा हो गया है, आप देख लीजिएगा, आपके नोट में पीडीएफ में अच्छे से मिलाएगा और आप अपने से बना भी सकते हैं। बन गया ग्राफ, यही है, सिंपल था ना? हाँ बिल्कुल सिंपल होता है ग्राफ, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ का नेचर समझ में आना चाहिए और उसको उसमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट ग्राफ हम बनाते हैं, देखिए सब कुछ हम सेम रखेंगे। नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे, अब ये इरेज कर देते हैं, नेचर तो इरेज करना पड़ेगा। मान लीजिए अब मुझसे कहा है कि आर एन और एन स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाइए। किसके बीच? आर एन और एन स्क्वायर के बीच का ग्राफ बनाइए। तो कुछ नहीं, तरीका सारा वही रखेंगे, फिर आर एन लिखेंगे, ये क्या हो गया? कॉन्स्टेंट के एन स्क्वायर। अब बताइए आर एन की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई, के कांस्टेंट है। अब बताइए एक्स एक्सिस पे इस बार क्या है? एन है कि एन स्क्वायर है? एन स्क्वायर है, यानी कि जहाँ एन स्क्वायर लिखा होगा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एक्स। पिछली बार जहाँ एन लिखा था वहाँ एक्स लिखे थे, समझना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार यहाँ एन था तो जहाँ एन था वहाँ एक्स लिखे थे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ एन स्क्वायर है ना,
तो जहाँ एन स्क्वायर होगा वहाँ मुझे इस बार x लिखना पड़ेगा। ये देखिए एन स्क्वायर है, इस पूरे वैल्यू को उठा के मुझे क्या रखना होगा, x लिखना पड़ेगा। यानी कि इस बार मेरा ग्राफ क्या बन गया, y इक्वल टू के एक्स। ये किससे मिल रहा है, ध्यान से देखिए, तो y इक्वल टू एम एक्स। हाँ, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, और m या k जो भी कहना है कह लीजिए। देखिए कैसी है नेचर में, पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। ये बनेगा ग्राफ आर एन और एन स्क्वायर का। बात समझ में आई मेरी आपको, कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट ग्राफ और देखते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे दूसरे वेरिएबल्स के साथ, यानी कि आर एन और जेड के बीच। फिर से आप वही लिखेंगे, आर एन इजकल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब आप देखिए इस बार वेरिएबल्स बदल गए आपके, आर एन और जेड वेरिएबल है लेकिन बाकी सब कांस्टेंट, यानी ऊपर क्या ये सब कांस्टेंट। आप इनको हटा के के बना लीजिए, क्या हो जाएगा, आर एन इजकल टू के अपॉन जेड हो जाएगा ना। चलिए आर एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, वेरी गुड, वाई, के तो के ही रह जाएगा, और देखिए जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स। देखिए कैसा बन गया, वाई इजकल टू के बाई एक्स। इसका ग्राफ कैसा बनता है, वेरी गुड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बन गया ग्राफ, सही है। एक और ग्राफ आपको इसमें बनाने को दिया जा सकता है, दिया क्या जा सकता है, पूछा जाता है, तो वो देखिए वो ग्राफ कौन सा होता है, आर एन और वन अपॉन जेड के बीच। किसके बीच, आर एन और वन अपॉन जेड के बीच। तो फिर से देखिए आर एन को तो आर एन ही लिख लीजिए, ये सब कॉन्स्टेंट, के अपॉन जेड। अच्छा अब ध्यान से देखिए, आर एन तो वाई बन गया, के अपॉन जेड, क्या मेरे एक्स एक्सिस पे जेड है, नहीं, मेरे एक्स एक्सिस पे क्या है, वन अपॉन जेड है। यानी कि मुझे इस बार वन अपॉन जेड के जगह पे एक्स लिखना है, न कि जेड के जगह पे। तो हमें क्या करना होगा, अच्छा देखिए हम के अपॉन जेड को के इंटू वन अपॉन जेड लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, के इंटू वन की वैल्यू के और नीचे जेड लिख सकते हैं ना। हाँ, ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे तो वन अपॉन जेड चाहिए था और वन अपॉन जेड अब मुझे मिल गया। तो मैं देखिए क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू के, वन अपॉन जेड के जगह पे क्या लिखना है, वेरी गुड, एक्स। यानी देखिए क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू के एक्स, और वाई इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ तो आपको याद ही हो गया, वेरी गुड। क्या होता है, एम एक्स के ग्राफ की तरह, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऊपर जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ये वाला ग्राफ पिछले का था, आप इसको इरेज कर दीजिए। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी ग्राफ हम ओरिजिन से बनाते हैं ना, थोड़ी दूर के लिए हम यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं। अगर आपने जोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आपको ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंटली कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो हम उनको जीरो पर नहीं ला सकते। हाँ, हम उसको जीरो तक नहीं ला सकते एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली तो आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कुछ दूर तक हम डॉट डॉट बनाते हैं, बस थोड़ी दूर के लिए। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाँ आदत डाल लीजिए, आगे आपके काम आएंगे, सही है। वन सेकेंड, ओके। तो देखिए आपने ग्राफ सारे, आप चाहें तो मैच कर लीजिए। देखिए ये था आपका पहला ग्राफ, आर एन और एन के बीच। दूसरा ग्राफ आर एन और एन स्क्वायर के बीच। तीसरा ग्राफ आर एन और जेड के बीच। और चौथा ग्राफ आर एन और वन अपॉन जेड के बीच। क्लियर है, ग्राफ सारे बना सकते हैं अब आप। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ वर्थ ऑर्बिट। अब आपको रेडियस निकालने आ गया, रेडियस के ग्राफ्स आ गए, सब कुछ आपने सीख लिया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बोर्स मॉडल के एनथ ऑर्बिट में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकेंड ऑर्बिट हो, थर्ड ऑर्बिट हो, उसमें घूम रहे इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे। तो फिर से वही चीज़ आपको करना है, आपको दो इक्वेशन हमने कहा था, आपको याद रखना है, डेरिवेशन हमेशा हम काम करेंगे। पहला, वेरी गुड, एम वी स्क्वायर इज अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा इक्वेशन क्या था? हाँ बहुत अच्छे, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, पिछली बार मुझे रेडियस निकालना था तो मैंने वी की वैल्यू उठा के रखी थी, इस बार मुझे वी निकालना है, हाँ तो इस बार मुझे आर की वैल्यू वहाँ रखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, आप कहीं से भी आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से कर लीजिए या यहाँ से, यहीं से कर लेते हैं। देखिए आपके पीडीएफ में इस वाले से किया गया है, ठीक है, तो आप किसी से भी करेंगे वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको आर चाहिए तो एम बी को यहाँ से हटाना होगा, एम बी कहाँ जाएगा, राइट साइड में, यानी कि ये हो जाएगा टू पाई एम इंटू वी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इस आर की वैल्यू को उठा के हम कहाँ करेंगे, यहाँ रख देंगे। अच्छा इसमें देखिए दो जगह आर है, क्या इस आर से इस आर के स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये तो यहाँ भी आर की वैल्यू रखते फिर यहाँ आर स्क्वायर की, तो कैलकुलेशन लेंदी हो सकता था, और यहाँ कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दिया हमने। यानी कि मुझे क्या मिल गया कैंसिल करने के बाद, देखिएगा मुझे मिला एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब देखिए आप चाहें तो यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या वैल्यू रख दीजिए, जो मन में आए करिए। हम इसको ऐसे रन देते हैं, एम वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर आर, और ये क्या बन गया, के जेड ई स्क्वायर। देखिए एम एम ही रहेगा, वी हमें निकालना है तो वी स्क्वायर ऐसे छोड़ दीजिए, आर आर की वैल्यू आपको पता है, अब आर की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन टू पाई एम वी, इसको उठा के रख दीजिए आर की जगह पर, एन एच अपॉन टू पाई एम इंटू वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ वी स्क्वायर और वी, यानी कि यहाँ से ये पावर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या बचा, वी एन एच अपॉन टू पाई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे वी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ लिखते हैं वी एन एच इज इक्वल टू टू पाई के जेड ई स्क्वायर, मिलेगा हमें तो सिर्फ वी चाहिए, तो वी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, टू पाई के जेड ई स्क्वायर, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो अपॉन में चला जाएगा अपॉन एन एच, यानी कि मुझे जो साफ साफ मिला हम उसको लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू टू पाई के जेड ई स्क्वायर, टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। हम इस फॉर्म में याद नहीं रखना है, याद तो हम इसकी वैल्यू सारे कांस्टेंट रखने के बाद करेंगे, और वो वैल्यू आएगी 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखिए इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम 2 प्लस के लिए 3, बेरिलियम 3 प्लस के लिए 4, यानी कि ये एटॉमिक नंबर तो बदलता रहता है, यानी कि ये वेरिएबल है, ये बचेगा जेड। यहाँ से देखिए एच कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ सेल बदलता रहता है, यानी कि ये भी वेरिएबल है, ये वैल्यू आएगी। मुझे याद तो ये रखना है, हाँ मुझे याद ये रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 एन अपॉन जेड, सॉरी जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, पहला काम अब सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, जैसे कि 2 पाई के ई और एच की वैल्यू अगर रख दे तो आपको क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। आइए एक बार हम मैच कर लेते हैं अपने डेटास को, ठीक है, ये तो उतना ही आया है, पीछे वाली वैल्यूज मैच कर लेते हैं। देखिए v इक्वल टू टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, सबकी वैल्यू रखने के बाद पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट यू आर गोइंग टू गेट प्लेस में आ गया आपको ना। अब देखिए हम इनका वेरिएशन देखेंगे, ये कैसे बदलते हैं, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, जेड पे, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर किसी भी
एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता रहा, हाँ मैं किसी भी स्पीसी का अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जबकि अगर वहीं पे अगर मैं सेम एटम के अलग अलग सेल की बात करूं तो जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे घट जाएगी। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, आप मान लीजिए हाइड्रोजन के ये न्यूक्लियस है और ये मेरा रहा फर्स्ट ऑर्बिट, उसी तरह मैंने बना दिया हीलियम प्लस कि ये न्यूक्लियस और ये रहा मेरा फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहली चीज उसने कहा कि अगर H की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में कंपैरिजन देखना है आपको, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला आपका, 2.118 तो देखिए आप फॉर्मूला पहले लिखेंगे Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 जेड अपॉन एन। ठीक है, तो आपको अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंपैरिजन करनी है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसीलिए इसके फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको फॉर्मूला याद होगा Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब अगर मैं किसी फिक्स, मान लीजिए एटम को मैंने फिक्स कर लिया, लिथियम 2 प्लस ले लिया मैंने या लिथियम ले लिया, अब मैं सेम एटम के दो अलग अलग सेल की बात करूं, यानी कि इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड और इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड को कंपैरिजन करना चाहूं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग स्पीड वैसे वैसे घट जाएगी। देखिए Vn इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल, इसके लिए 1 है इसके लिए 2 है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी फिक्स्ड एटम के अलग अलग सेल में, यानी कि जैसे नंबर ऑफ सेल्स आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है। समझ में आ गया, चलिए अगर ये आपको आ गया इसे कंपैरिजन रिलेशन लिख लेते हैं। क्या होता है, Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ हम वेरिएशन लेते हैं यानी वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं, हम क्या लिखेंगे, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। वेरी गुड, अरे Vn को हम क्या लिखेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू जेड ऊपर है ना, हम इसको क्या लिखेंगे, Z1 अपॉन Z2, जबकि n कहाँ है, नीचे, तो हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, N2 अपॉन N1, क्योंकि ये नीचे था इसलिए हम N1 अपॉन N2 ना लिख के क्या लिखेंगे, N2 अपॉन N1। समझ में आया मेरी बात, ये उसका कंपैरिजन रिलेशन, कर सकते हैं। आइए, ये है कंपैरिजन रिलेशन। अब हम ग्राफ की बात करेंगे, देखिए पहला ग्राफ मुझे बनाना है Vn और n के बीच, तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा, Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 to the power 6 जेड अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ग्राफ बनाना है, एक्सिस बना के छोड़ दीजिए। देखिए पहला ग्राफ आपको बनाना है Vn और n के बीच, तो देखिए इसमें Vn और n तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो सबको हटा दीजिए, Vn ये सब कांस्टेंट है ना, इन सबको हटा के हम क्या लिख देंगे, K अपॉन क्या मिल गया मुझे, N मिलेगा ना। अब देखिए Vn के जब हम क्या लिखेंगे, Y, क्योंकि ये Y एक्सिस पे है, इज इक्वल टू K तो वैसे ही रहेगा कांस्टेंट, N X एक्सिस पे N है कि 1 अपॉन N है, N है ना, तो N के जगह पे आप क्या लिख देंगे, X लिख देंगे, यानी कि ग्राफ क्या बनेगा, Y इक्वल टू K अपॉन X का, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बन गया ग्राफ किसका, Vn और n के बीच का, यानी कि ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। Vn
और 1/n के बीच। चलिए एक बार ट्राई करिए फटाफट, आप फिर से वही vn का फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे तो आपको मिलेगा vn इज इक्वल टू k अपॉन n। यहाँ तक तो मिल ही जाएगा आपको, पीछे से कर लीजिएगा। अब देखिए vn इज इक्वल टू k अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू 1/n। क्यों लिखा हमने, क्योंकि मुझे इस बार 1/n चाहिए था तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। अब बस vn के जगह पे हम क्या लिख देंगे, y k 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, x एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू के एक्स। ये ग्राफ क्या होता है, y छोटू एम एक्स का ओरिजिन से स्टार्ट होती है और ये ग्राफ ऊपर की तरफ लीड करेगी, यानी कि vn और n के बीच का ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जबकि vn और 1/n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। आइए चेक कर लीजिए, vn और n का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, vn और 1/n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ आपको एक और बनाना है, चलिए वो ग्राफ आप बनाएंगे vn और z के बीच। इसमें तीन ग्राफ बनते हैं तो आपको बनाना है vn और z के बीच। अब देखिए vn और z तो आपके वेरिएबल हो गए, यानी कि ये मेरा वेरिएबल होगा और ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। अब तो मेरा क्या बन जाएगा वैल्यू, vn इज इक्वल टू कांस्टेंट हटा के k लगा देंगे और यहाँ क्या मिल गया, z। अब देखिए vn कहाँ है मेरा, वाई एक्सिस पे, k तो k ही रहेगा, z के जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड, x, यानी वाई इज इक्वल टू के एक्स। फिर से ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, कहाँ जाएगी, स्ट्रेट लाइन में, कर सकते हैं। तो चलिए आपका तीनों ग्राफ क्लियर हो गया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ग्राफ होमवर्क दे देंगे, देखिए ग्राफ इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको होमवर्क दिया जाएगा ग्राफ करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, वेरिएशन विथ चेंज इन नंबर ऑफ सेल, हाँ नंबर ऑफ सेल बदलने से क्या क्या इफेक्ट आएगा। देखिए रेडियस का फॉर्मूला आया था 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन और रेडियस के बीच कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ाएंगे रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि अगर आप वेलोसिटी को कंपैरिजन करना चाहें तो देखिए vn और n के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कम होती जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। आप नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर अपने एक सेल को एक पूरे कंप्लीट राउंड घूमने के लिए कितना टाइम लगता है, उसी को हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि अर्थ को सन के राउंड पूरे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज एंड अराउंड 6 आवर्स, 5 आवर्स 52 मिनट्स होते हैं, बट लगभग हम 6 घंटा मानते हैं। तो ये हो गई उसकी टाइम पीरियड। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है, उसी को हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो स्पीड को उधर भेज देंगे, यानी क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ आई मेरी, हाँ। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, हाँ, सर्कमफ्रेंस लेंगे सर्कल के केस में और वो वैल्यू कितनी होती है, 2πr होती है। किसी भी सर्कुलर पाथ की अगर डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो कितना लिखते हैं आप, 2πr। स्पीड को क्या लिखेंगे, v, v की वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ये तो पहले ही आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया है। ऐसे देखिए आप 2 लिख देंगे, पाई लिख देंगे, आर की वैल्यू भी आपको याद है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, वी की वैल्यू याद है 2.188 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, सब वैल्यू को उठा के रख दीजिए, सब रखने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी टी इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10^-16 एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। हाँ एक्चुअली ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, कुछ सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ ये और ये इनका रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ इस पर क्वेश्चन नहीं आते वो कैलकुलेट करने के लिए देगा, लेकिन हाँ टाइम पीरियड और इसकी वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए हम इसकी वेरिएशंस को भी देख लेते हैं।
देखिए क्योंकि आपको टी फॉर्मूला मिल गया है तो आप यहाँ से इनका वेरिएशन निकालेंगे तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड सॉरी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। इसका कंपेरिजन लिखेंगे तो बताइए क्या होगा, टी वन अपॉन टी टू, एन क्यूब तो ऊपर है ना तो क्या लिखेंगे, वेरी गुड, एन वन क्यूब अपॉन एन टू क्यूब। अब बताइए जेड स्क्वायर ऊपर है कि नीचे, नीचे है हम क्या लिखेंगे, जेड वन स्क्वायर अपॉन जेड टू स्क्वायर या फिर जेड टू स्क्वायर अपॉन जेड वन स्क्वायर, वेरी गुड, लिखेंगे हम जेड टू स्क्वायर अपॉन जेड वन स्क्वायर। ये बन गया इसका कंपेरिजन रिलेशन। इसी तरह से जैसे अगर आप टाइम निकालें, आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो इसी का उल्टा केस बन गया। अब देखिए अगर आपको फ्रीक्वेंसी का कंपेरिजन रिलेशन लिखना है तो आप लिख देंगे एफ वन अपॉन एफ टू, क्योंकि ये दोनों को उल्टे होते हैं तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी कि ये बन जाता है एन टू क्यूब इंटू जेड वन स्क्वायर अपॉन एन वन क्यूब इंटू जेड टू स्क्वायर। आपको ये सब रटना नहीं है, आपको बस एक ये याद रखना होगा, उसके बाद ये तो अपने आप बना लेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी टाइम का जस्ट रिवर्स केस होता है, एफ इजिकल टू वन अपॉन टी होता है, यानी कि ठीक उल्टा केस आप लिख देंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो वो सब आप अब कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी भी हमने करा दिया आपको। अगर आप यहाँ से लिखना भी चाहें तो आप यहाँ से भी लिख के देख सकते हैं। देखिए f को क्या लिखेंगे, f1 अपॉन f2, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या हो जाएगा, जेड वन स्क्वायर अपॉन जेड टू स्क्वायर इंटू एन क्यूब, यहाँ इन्वर्सली है तो क्या हो जाएगा एन टू क्यूब अपॉन एन वन क्यूब। आप एक बार चेक कर लीजिए जेड वन स्क्वायर एंड एन टू क्यूब, लग रहा है इरेज कर दिया हमने, खैर चलिए कोई बात नहीं, वो सेम रहा होगा, अगर आपने नोट किया होगा तो आपने मैच कर लेना है। देखिए अब तक जो आपने सीखा उसमें से जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। इसके साथ साथ आपको चार और चीज़ें याद रखनी है, पहला आर एन का फॉर्मूला दैट इज 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम या आर एन इज इक्वल टू 0.0529 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। दूसरा फॉर्मूला वी एन इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। फिर दो इक्वेशन जो आपको सिखाए गए हैं, पहला इक्वेशन क्या है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये सारी चीज़ें आज आपने सीखी, ये आपको याद होनी चाहिए, अगले लेक्चर हम इनका यूज करेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।